Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जूरोसी की प्रैक्टिकल फाइल लेके आई हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर जूरोसी में प्रैक्टिकल में क्या क्या सिलेबस है, इसके साथ साथ आपको कौन सी चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलोजी का सिलेबस है, जिसमें आपको प्रोटोजोआ करना है। प्रोटोजोआ के अंदर यही आपको स्लाइड्स बनानी है, जिसकी स्लाइड्स के नाम है अमीबा, यूग्लीना, टिपेनोसोमा, नोक्टिल्यूका, यूमेरिया, पैरामीशियम, जिसके अंदर बाइनरी फीचर एंड कंजुगेशन होता है, ओपेलिना, वर्टिसेला, बैलेंटीडियम, निक्टोथीरस, रेडियोलेडियन एंड फॉर्मिफोरन ओज। इसके अलावा जो आपको स्पेसिमेंस बनाने हैं पैराजोआ मीन्स पोरीफेराफाइलन के, उसके अंदर है साइकोन, ग्रैंडिया, यू प्लैक्टेला, हाइएलानुमा, स्पंजिला, यू स्पंजिया। सिलेंट्रेटा में स्पेसिमेन है पोरपिटा, वलीला, फाइसीलिया, ओरिया, राइजोस्टोमा, मेट्रीडियम, मेलिपोरा, एल्कोनियम, ट्यूबिपोरा, जूएंथस, मेड्रीपोरा, फेविया, फंजिया एंड एस्टीरिया। इसके अलावा इसके अंदर स्लाइड्स भी है, परमानेंट स्लाइड्स जो हमें पढ़नी है, हाइड्रा की, जिसके अंदर बर्ड्स भी पढ़ने हैं, ओबेलिया की पढ़नी है, ओबेलिया की कॉलोनी एंड मेड्यूसा की, सर्टुरेलिया की, प्लूमुलेरिया की, ट्यूबुलेरिया की एंड बोगनविलिया की, इसके साथ ओरेलिया की भी पढ़नी है। इसके अंदर साइंस ऑर्गन एंड स्टडीज ऑफ लाइफ हिस्ट्री में पढ़नी है। इसके अलावा जो प्लेटी हेलमिंथिस है उसके अंदर स्पेसिमन है ड्यूजेसिया, फेसियोली हेबेटिका, टेनिया, इकाइनोकोकस एंड इसमें स्लाइड है मीरासीडियम लार्वा की, स्पोरोसिस, ट्रेडिया, सर्केरिया, स्कोलैक्स, प्रोग्लोटिड्स। टेनिया के अंदर मैच्योर एंड ग्रेवीट। इसके अलावा एस्कलमेंथिस भी करना है, जिसके अंदर एस्केरिस मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, ट्रिचिनेला एंड साइक्लोस्टोमा मेलिडोगाइनी। इनके अलावा हमें परमानेंट स्लाइड्स भी पढ़नी है, एलएस एंड टीएस ऑफ साइकोन, जिसके अंदर गैम्यूल्स, पीक्यूल्स, स्पंजिंग फाइबर ऑफ साइकोन, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजिस सभी हैं, टीएस ऑफ हाइड्रा, जिसके अंदर टेस्टिस एंड ओवरी रीजन, टीएस ऑफ फेशियोला, जिसके अंदर सारे रीजन है, टीएस ऑफ एस्केरिस, जिसके अंदर मेल और फीमेल आपको दोनों करनी है। इसके अलावा हमें प्रिपरेशन भी करनी है स्लाइड्स की, जिसके अंदर वोल्वोक्स, पैरामीशियम, जेब्यूल्स एंड स्पीक्यूल्स ऑफ साइकोन है, प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्ट्रेन वोल माउंट ऑफ हाइड्रा, ओबेलिया, सर्टुलेरिया, प्लूमुलेरिया एंड बोगनविलिया। इसके अलावा डाइसेक्शन भी तैयार करना है या फिर वर्किंग मॉडल भी प्रिपेयर करना है। इनसे आपको प्लाज्मोडियम का कर सकते हैं, जियार्डिया का, एनसाइक्लोस्टोमा या वुचेरिया का। एंड सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन, जिसमें आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करने होंगे माइटोसिस एंड मियोसिस की। इसके अलावा टेम्परेरी स्क्वैश प्रिपरेशन ऑफ ऑनियन रूट टिप या फिर ग्रास होपर टेस्टिस फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस यूजिंग एसिटोकार्बिन स्टेन। एंड इनके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना आपको, इन पांचों में से किसी भी एक का कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलोसी का जो प्रैक्टिकल है उसका सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आप इंडेक्स में देख लो, ये सारे स्पेसिमेंस हमने जिनकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है या फिर फाइल में आपको लिखना भी पड़ेगा और ड्रॉ भी करना पड़ेगा। एक तो जैसे हम केमिस्ट्री की फाइल बनाते हैं कि लाइनिंग वाले पेज पे हम लिखते हैं और उसके अलावा जो ब्लैंक पेज होता है उसके अंदर डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ लिखना होता है इसके अंदर। तो एक तो इसी टाइप से बना देंगे कि सामने वाले पेज पे, लाइनिंग वाले पेज पे आपको पूरा का पूरा जो स्पेसिमेन यहाँ पे ड्रॉ करोगे उसके बारे में सब कुछ लिखना होगा। दूसरा सिर्फ डायग्राम बनाना होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं फाइलम वाइज जो जो हमें एनिमल्स हैं स्पेसिमम जिनकी हमें स्टडी करनी है, तो उनको मैं विद आपके डायग्राम दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो जूलोजी की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो दो टाइप से बनाई जाती है। एक टाइप से तो उसके अंदर होता है कि
इस साइड लाइन वाला पेज होता है उसके अंदर आपको ये सारा जो भी दे रखा है ये लिखना होता है। इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन, हैबिट, हैबिटेट्स एंड इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। लेकिन दूसरे में क्या करते हैं, जो ये वाला पेज होता है उसके आगे ही हम एक ड्राइंग शीट का पेज डाल के उसी के अंदर उसका डायग्राम बना देते हैं जिसके अंदर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप किसी भी टाइप से बना सकते हो, या तो जो लाइन वाला पेज है उस पर लिख भी सकते हो और उसके सामने वाले पेज पर ड्रॉ भी कर सकते हो डायग्राम, या फिर आप इस टाइप की फाइल ले सकते हो और इसमें यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आपको स्पेस दे रखा है, यहाँ पे आप ड्राइंग के पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके सामने सिर्फ डायग्राम बनाने होंगे। इसमें आपको लिखने की ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहले साइकॉन का स्पेसिमेन है। अब देखो ये हमारा सेकेंड स्पेसिमेन है ग्रांटिया का। आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी वो बिल्कुल एज इट इज डायग्राम्स बनानी पड़ेंगे। जितने ज़्यादा सुंदर सुंदर डायग्राम्स आप प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बनाओगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख लो, बिल्कुल पूरी डिफाइनिंग अच्छे से कर रखी है, शेडिंग भी कर रखी है, सारे काम कर रखे हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से करने पड़ेंगे सारे के सारे काम, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्पेसिमेन है यूप्लैक्टिला का। ये इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स विद डायग्राम है, तो डायग्राम आप सामने वाले पेज पे देख लो। बिल्कुल अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाने आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, जितने ज़्यादा अच्छे डायग्राम्स बनाओगे उतने ही अच्छे आपको टीचर मार्क्स दे देता है। ये हमारा नेक्स्ट स्पेसिमेन है हाई एलोनीमा। ये सारे जो भी अभी तक हमने स्पेसिमेन करे ये सारे पोरीफेरा फाइलम के अंदर आते हैं। तो आपको इसके अंदर जो राइट साइड वाला कॉर्नर है उसके अंदर क्लासिफिकेशन लिख ली है ब्लैंक पेज पे एंड इसके अलावा नीचे डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सुंदर सा डायग्राम बना देना। नेक्स्ट स्पेसिमेन है पोरीफेरा के अंदर ही स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को हम एज ए स्पंज भी यूज करते हैं। तो वाइवा में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नियरली आपसे या तो थ्योरी के एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि जूलॉजी में दो पेपर होते हैं, एक तो सेल बायो का होता है, एक डाइवर्सिटी का होता है, या तो इनसे रिलेटेड पूछ लेंगे, या आपको जो स्पेसिमेन दिखाए जाते हैं जैसे कि स्पॉन्जिला है फ्रेश वाटर स्पंज, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेसिमेन है यू स्पॉन्जिया। जैसे यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है, बाथ स्पंज, तो इसको एज ए बाथ स्पंज भी यूज़ किया जाता है। ये वाली बात में आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है कि कौन सा स्पंज है जिसको एज ए बाथ स्पंज यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछे जाएंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि किस टाइप का कैनाल सिस्टम कौन से पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है, या फिर गेम्यूल्स क्या होते हैं। डायग्राम की तो मैंने आपको बताए दिए हैं, आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड डायग्राम बनाने जिसमें आपको अच्छे से ऐसे जैसे इस डायग्राम में देख लो एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन कर रखी। जैसे यहाँ पे इनहेरेंट कैनाल्स हैं, ओस्कुला है, ओस्कुला क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है एंड नीचे सबस्ट्रेटम भी बिल्कुल शेड करके दिखा रखा है। तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप के डायग्राम्स बनाने हैं। अब हम आ गए हैं सेकेंड फाइलम में जो कि सिलेंटरेटा है। सिलेंटरेटा के अंदर सबसे पहला स्पेसिमेन है पोरपीटा और इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है कि जो एक एनिमल होता है उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये है हमारा पोरपीटा का डायग्राम, मेरे को अच्छे से देख लो इसको, ऐसे ही बनाना आपको पूरा का पूरा डायग्राम। सिलेंट्रेटा के अंदर ही नेक्स्ट क्या है, वलीला। वलीला के अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेटा के अंदर ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, ये थ्योरी के पेपर में भी आती है और उसके अलावा प्रैक्टिकल में भी आपसे वाइवा में पूछी जाती है।
नेक्स्ट स्पेसिमेन है फाइजीलिया का। फाइजीलिया के अंदर कैसा फीडिंग मैकेनिज्म है, या फिर ये मैराइन वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसका कॉमन नेम क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये जो इनकी कॉमन कॉमन बातें हैं यही आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये फाइजीलिया की क्लासिफिकेशन है। फाइजीलिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक तो ये बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और जो इसके अंदर लार्वा पाया जाता है उसका क्या नाम है, प्लेनुला लार्वा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेनुला लार्वा कौन से एनिमल के अंदर पाया जाता है। तो आपको सारे के सारे डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बनाने पड़ेंगे, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि वाइवा में ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आप याद कर लेना। नेक्स्ट स्पेसिमेन है ओरेलिया। ओरेलिया का भी कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका जेलीफिश या फिर मून जेली भी कह सकती है। ये इसका डायग्राम है, इसके साथ साथ ये इसकी क्लासिफिकेशन एंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन कर रखी हैं, तो आप इसको क्लोज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पेसिमेन है राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा एंड जो ओरेलिया होता है दोनों के अंदर हाइड्रोप्रोपल्सन प्रिंसिपल के बेसिस पे इनके अंदर लगोमासिन प्रेजेंट होता है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोप्रोपल्सन प्रिंसिपल क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। ये भी वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल है जो कि हाइड्रोप्रोपल्सन प्रिंसिपल बेस पे लोकोमोशन करता है, और राइजोस्टोमा इसके अंदर भी प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है मैट्रीडियम। इसका कॉमन नेम क्या है, सी एनिमोन, जो कि मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसका लोकोमोशन क्रीपिंग टाइप होता है, उसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का पाया जाता है रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर भी प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। तो आपको सिलेंट्रेटा के अंदर ज़्यादातर कौन सा लार्वा मिला, यहाँ पे प्लेनुला लार्वा। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सी एनिमोन होती है वो हर्मिट क्रैब के साथ में क्या करती है, प्रोटो कोऑपरेशन शो करती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा सी एनिमोन का डायग्राम है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है मिलीपोरा। इसका कॉमन नेम क्या है, स्टिंगिंग कोरल, और ये भी मोस्टली मैराइन वाटर में पाया जाता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके अंदर वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये यहाँ पे मिलीपोरा की क्लासिफिकेशन है एंड नीचे इसका डायग्राम दिखा रखा है। तो डायग्राम आपको बिल्कुल इसी टाइप से बनाने हैं, शेडिंग भी कहीं पे लाइट कर देना, कहीं पे डार्क शेडिंग कर लेना, कहीं पे डॉट डॉट करके बना देना। तो इस टाइप से अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके डायग्राम बिल्कुल बहुत अच्छे बन जाएंगे, और आपके फाइल में नंबर भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट स्पेसिमेन है एल्काइनियम का। एल्काइनियम का कॉमन नेम क्या है, सॉफ्ट कोरल या फिर डेड मैन्स फिंगर कोरल। इसके अंदर कार्निवोर्स होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है एंड सेक्सुअल भी, और यहाँ पे भी आपको प्लेनुला लार्वा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसको एज ए ऑर्नामेंटल म्यूजियम स्पेसिमेन भी यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स, इसके साथ साथ आपको इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब आपको स्पेसिमेन दिखाए जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के बेस पे ही आप सभी को क्लासिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा स्पेसिमेन है, ये कौन सा स्पेसिमेन है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, तो ये इसका डायग्राम है, बिल्कुल क्लोज व्यू में देख लो। जैसे यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके ड्रॉ कर रखे हैं साइड में, और थोड़ी सी शेडिंग भी कर रखी है, बिल्कुल प्रॉपर डिफाइनिंग है इसमें। तो इस डायग्राम को आप बिल्कुल एज इट इज़ बना देना। एल्काइनियम।
नेक्स्ट स्पेसिमेन है ट्यूबीपोरा को, ट्यूबीपोरा को हम ऑर्गन पाइप कोरल भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। ये भी मैराइन एनिमल है। कार्निवोर्स इसकी फीडिंग मैकेनिज्म है एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है स्केलेटन की। एंड ये ट्यूबीपोरा की क्लासिफिकेशन है, इसके साथ साथ ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है ज़ूएंथस का, ये भी सिलेंट्रेटा के अंदर आता है एंड दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्लेनुला लार्वा भी प्रेजेंट, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है और इसके साथ साथ इसके अंदर प्लेनुला लार्वा भी प्रेजेंट होता है। एंड ये इसका डायग्राम है एंड ज़ूएंथस की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में लिखनी पड़ेगी और नीचे डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है मैड्रीपोरा या फिर एक्रोपोरा भी कह सकती हैं और इसका कॉमन नेम क्या है, स्टैग हॉर्न कॉर्न। कॉमन नेम आपको सभी के सभी एनिमल्स के याद करने पड़ेंगे और इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, लोकोमोशन एब्सेंट है, सीडेंट्री एनिमल है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ कोरल रीफ फॉर्मिंग। तो जो कोरल रीफ होती है उसके फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी की होती है, मैड्रीपोरा। ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट है फाविया, ये भी मैरीन एनिमल है, सीडेंट्री है क्योंकि इसके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होता है एंड प्लेनुला लार्वा इसके अंदर भी पाया जाता है। एंड ये यहाँ पे इसका डायग्राम है फाविया, ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन राइट कॉर्नर में लिखनी है। नेक्स्ट है फंजिया, ये भी क्या है, एक ऑर्नामेंटल स्पंज है, मरीन है और लोकोमोशन इसके अंदर भी एब्सेंट होगा तो इसको भी हम बोलेंगे सीडेंट्री एनिमल है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है एंड प्लेनुला लार्वा भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये फीड्स करता है ज़ू प्लैंकटॉन्स पे बाय सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म। तो ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा के अंदर ही एस्टेरिया। तो एस्टेरिया भी क्या है, ऑर्नामेंटल कोरल है और मैराइन एंड एंथोजुअन है, मींस इसके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होता है तो ये भी क्या है, एक सीडेंट्री एनिमल है। इसके अंदर भी प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी होगा सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। एंड ये इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि आपको टॉप राइट कॉर्नर में लिखनी है एंड इसके अलावा ये इसका डायग्राम है पूरा का पूरा। अब हम आ गए हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला है ड्यूजीसिया। ड्यूजीसिया में क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, फ्रीलिंग एनिमल है, ग्रीगेरियस है एंड फ्रेश वाटर है। इसके साथ साथ इसके जो कॉमन नेम वो क्या है, प्लेनेरियन। एंड रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आर्टसवर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कैनिबलिज्म शो करता है। एंड आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी सभी के याद करने हैं, जैसे कि ड्यूजीसिया के अंदर बॉडी क्या है, डोर्सो वेंट्रली फ्लेटन्ड है और अनसिगमेंटेड बॉडी है, जिसका हेड होता है उसके ऊपर दो हेड लोब्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओरिकोल्स। एंड इसके अंदर टू कप शेप आई भी प्रेजेंट होती है। तो आपके सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स याद करने हैं, जैसे कि जो कोनोपोर है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, ये इसकी फेरिंग्स की ओपनिंग है और ये इसका यहाँ पे माउथ है, तो माउथ के जस्ट इसके नीचे गोनोपोर की प्रेजेंस है एंड इसके अंदर फेरेंजियल पाउच भी प्रेजेंट होता है और ये सारी चीजें वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल सरफेस पे ओरिकल एंड आई प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट है फिशियोला हिपेटिका, जिसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक या फिर शीप लीवर फ्लूक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो रिगलिंग मूवमेंट शो करती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ब्लड बाइल एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाइल डक्ट पे फीड करती है। एंड रिप्रोडक्शन में ये क्या है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्रॉस और सेल्फ दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन शो करती है। डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है, और जो बहुत सारी लाइवरल स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है, मीरासीडियम, स्पोरोसिस, ट्रेडिया, सर्किडिया एंड मेटासर्किडिया, ये सारी इसकी लार्वल स्टेजेस हैं। इसके साथ साथ डिलेट पोली एम्ब्रियोनी एंड लार्वल मल्टीप्लिकेशन भी ये शो करती है, और इसकी जो लाइफ साइकिल वो डाइजेनेटिक है। हैवी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो इसको बोलते हैं लीवर रोट या फिर फेसियोलाइसिस। तो इसके अंदर वाइवा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ये डिलेड पोली एम्ब्रियोनी शो करता है, लार्वल स्टेजेस इसके अंदर कौन कौन सी है, या फिर कौन से एनिमल के अंदर ये पैथोजेनिसिटी क्यूज करता है, तो शीप के अंदर ये पैथोजेनिसिटी क्यूज करता है। और इसकी बॉडी भी क्या है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, बिल्कुल लीफ लाइक इसकी शेप होती है। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर ही टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम क्या है, एक एंडोपैरासाइट सिस्टोसोड है, कॉस्मोपोलिटन है, और इसका कॉमन नेम क्या है, टेप वोम या फिर पोक टेप वोम, इसके अलावा आर्म्ड टेप वोम भी कह सकते हैं इसको, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन, और मैन क्या है, इसका प्राइमरी होस्ट है, और इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग मसल्स, जो कि लार्वल स्टेज यहाँ पे इसकी प्रेजेंट होती है। एंड लोकोमोशन इसके अंदर एब्सेंट होता है, और जो इंटेस्टाइन की वॉल के साथ ये फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ हुक्स या फिर सकर्स, जो कि इसके माउथ पे प्रेजेंट होते हैं, इसी की हेल्प से ये फिक्स हो जाता है उसकी इंटेस्टाइनल वॉल में। फीडिंग मैकेनिज्म इसके अंदर सेप्रोजोइक है, रेस्पिरेशन यहाँ पे भी एनारोबिक है, रिप्रोडक्शन प्रोटोएंड्रस हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लार्वा है, हेक्सासेंथ लार्वा प्रेजेंट होता है, एंड ब्लैडर वॉर्म में सिस्टिसर्कस लार्वा प्रेजेंट होता है, तो दो लार्वल फॉर्म है इसके अंदर, और इसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो डायजेनेटिक होती है, दो होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो बोलेंगे टीनियासिस। टीनियासिस कब होगा, जब एडल्ट इन्फेक्शन केस करेगा, और सिस्टिसर्कोसिस कब होगा, जब इसकी ब्लैडर वॉर्म होगी वो इन्फेक्शन केस करेगी, तो सिस्टिसर्कोसिस। इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है, इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला के अंदर, और इसके अंदर जो स्कोलेक्स है उसके चार सकर्स प्रेजेंट होते हैं उसके पास में, एंड जो इसका स्ट्रोबिला है वो उसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होती हैं, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। जैसे कि यहाँ पे ग्रेविड हैं, ये वाले मैच्योर हैं, और जो बिल्कुल सबसे छोटे छोटे ये क्या है, इमेच्योर हैं। यहाँ पे ये इसकी नेक है एंड ऊपर इसका माउथ है, और ये हुक्स की हेल्प से इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है इकाइनोकोकस का, इसके अंदर भी सीलोजोइक एंडोपैरासाइटिक सिस्टोसोडा, कहाँ पे मिलता है ये, इंटेस्टाइन ऑफ डॉग्स के अंदर, तो इसको कॉमनली क्या बोलेंगे, डॉग हाइड्राटिड टेप वर्म। लोकोमोशन इसके अंदर भी अब्सेंट होता है। फीडिंग मैकेनिज्म सेप्रोजोइक, एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है ये, और ये कौन सी डिजीज क्यूज करता है, हाइड्राटेड डिजीज, जो कि डॉग्स के अंदर होती है, जिससे क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपको इसके भी याद करने पड़ेंगे, इसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। तो ये इसका डायग्राम है, जो इसका स्कोलेक्स है उसके भी चार सकर्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्रोट्रूसिबल रोस्टुलम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर टू रोज ऑफ हुक्स होती है, ये इसका माउथ है,
ये इसके सकर है एंड यहाँ पे नेक है। तो इसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सबसे पहले स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। इसके अंदर भी तीन टाइप के प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट है, जैसे कि इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। नेक्स्ट स्पेसिमेन है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, जो कि सबसे पहले तो इंटेस्टाइन में मिलता है और उसके बाद जो इसकी लेटर स्टेजेस होती है इंसिस्ट इन द मसल्स, और ये मिलता किस में है, पिग्स, डॉग्स, रैट एंड अदर एलाइड मैमल्स में। लोकोमोशन इसके अंदर भी एब्सेंट होता है, फीडिंग किस पे करेगा, ब्लड एंड लिम्फे, और रेस्पिरेशन एनारोबिक प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसके भी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स याद कर लेना। इसका कॉमन नेम क्या है, ट्राइकिनिया वोम। एंड ट्राइकिनेला के अंदर सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है, जो इसकी फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है। अब हम आ गई हैं एस्कल्मिंथस में, तो सबसे पहला यहाँ पे है एस्कारिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉस्मोपॉलिटन एनिमल है, एंडोपैरासिटिक नेमाटोड है। इसके अलावा ये कहाँ पे मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मेल, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर मिलता है। उसका कॉमन नेम है राउंड वर्म। इसका कॉमन नेम पक्का याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। लोकोमोशन इसके अंदर भी एब्सेंट होता है, लेकिन ये पैरास्टाल्सिस मोमेंट शो करता है थ्रू डोर्सोवेंट्रल अंडुलेशंस ऑफ बॉडी। फीडिंग इसके अंदर होलोजोइक प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन फैकल्टेटिव एनारोब है। एंड रिप्रोडक्शन में ये भी क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है एंड लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनेटिक है। तो जो मेल होता है यहाँ पे भी स्मॉलर साइज का होगा एंड कर्व्ड होगा, पोस्टीरियर एंड जो इसका होता है वो कर्व्ड होता है। फीमेल होगी वो लार्ज साइज की होगी, उसके अंदर कर्व्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो एस्कल्मिंथस होता है इसके अंदर श्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्यूडोसिलोबेट्स कौन से एनिमल होते हैं, या फिर एस्कल्मिंथस में जो एस्कारियस है इसके इन्फेक्शन से क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन्स क्योज हो जाए, एंड इसके जो टॉक्सिन्स होती हैं वो क्या क्योज करते हैं, न्यूमेनिया, अपेंडिसिटिस, एंड्रिसिटिस या फिर मेंटल डिप्रेशन क्योज करती हैं। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो मेल और फीमेल राउंड वर्म होता है उसके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताओ कि कौन कौन से अंतर हैं इनके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे मेलाइडोगाइनी, ये भी क्या है, फाइटोपैरासिटिक नेमाटोड। कहाँ पे मिलेगा, गाल्स ऑफ रोट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ये कहाँ पे मिलता है, प्लांट्स पे। और इसका कॉमन नेम क्या है, रूट नोट ईल वर्म। लोकोमोशन इसके अंदर भी एब्सेंट होता है एंड फीडिंग मैकेनिज्म सैप्रोजोइक होता है। रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, मेल के पास कोपुलेटरी बर्सा प्रेजेंट होता है एंड टू इक्विवेलेंट सिमिलर कोपुलेटरी स्पीक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मेल क्या होगा, लॉन्ग। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, पिछले दोनों में हमने क्या करा था, मेल क्या था, स्मॉल था, यहाँ पे मेल लॉन्ग भी है और सिलेंड्रिकल भी है, और फीमेल क्या है, गोड शेप्ड विद ए बीक प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो फीमेल्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं वो फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट, यहाँ पे कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ये क्या है, एक फाइटोपैरासाइट है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, मेल इसका लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है और फीमेल गॉड शेप की होती है। एंड मेल के पास में क्लोकल अपर्चर कोपुलेटरी बर्सा भी प्रेजेंट होता है एंड वन पेयर ऑफ कोपुलेटरी स्पीक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। इसके अंदर भी सीलोजोइक एंडोपैरासाइट निमेटोड होता है ये, और ये कहाँ पे मिलेगा, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इसके अलावा इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या है, हुकवोम। तो हुकवोम भी आपको याद करने पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है
एंड लोकोमोशन यहाँ पे भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो फीडिंग करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ ड्यूडेनम विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेट या फिर टीथ भी कह सकती हैं। और इसका जो इन्फेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, एनसाइक्लोस्टोमियासिस, जिसके अंदर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसफंक्शनिंग, एनीमिया और फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी क्यूज करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको इसका कॉमन नेम याद करना पड़ेगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के भी पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, मेल और फीमेल में से कौन सा बड़ा होता है, यहाँ पे भी मेल बड़ा होता है और मेल सिलेंड्रिकल भी होता है। इसके अलावा फीमेल स्मॉलर साइज की प्रेजेंट होती है, दोनों के पास बकल कैप्सूल प्रेजेंट होता है एंड सिक्स कटिंग प्लेट्स एट द एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगी। जो मेल होगा उसके पास क्लोकर अपर्चर भी प्रेजेंट होगा एंड कोपुलेटरी बर्सा भी प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ टू पाइनल स्पिक्यूल्स भी मेल में पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे। तो अब हमारी डाइवर्सिटी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में क्या करना है, सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होती है। माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, माइटोटिक क्या है इक्वेशनल डिवीजन होती है और मियोटिक क्या है रिडक्शनल डिवीजन होती है। एंड ये माइटोसिस की स्टेजेस हैं जिसके अंदर इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड लास्ट में डिवाइडेड सेल होती है। टेलोफेज के बाद में टू डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा मियोटिक डिवीजन क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। मियोसिस दो में डिवाइडेड होती है जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होती है। जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसकी प्रोफेज के अंदर फाइव डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। फर्स्ट है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डाइप्लोटीन, डाइगाइनेसिस, देन मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टिलोफेज फर्स्ट, ये सारे मियोसिस फर्स्ट की फेजेस हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देन मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सिंपल होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे बाय सेल फॉर्मेशन इन द एनिमल सेल। एंड जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन से होता है। एंड ये मियोसिस के डायग्राम्स हैं, प्रोलैप्टोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इसके अलावा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, उसके बाद भी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डॉटर सेल की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रखी है, साइटोकाइनेसिस इस वाले में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों डॉटर में से एक डॉटर ले रखी यहाँ पे जिसके अंदर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड एंड एनाफेज सेकेंड दिखा रखा है एंड अर्ली टीलोफेज एंड लेट टीलोफेज, जिसके बाद में एक से दो की फॉर्मेशन हो जाएगी और दो से चार सेल की फॉर्मेशन हो जाती है मियोसिस के अंदर। तो स्टार्टिंग में हम कितनी सेल लेके चले थे, एक सेल, और उस एक सेल से दो सेल बन गई और दो सेल से एंड में चार सेल बन गई। तो एक सेल में यहाँ से मियोसिस डिवीजन जब होता है तो चार सेल की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले तो ये मियोसिस के डायग्राम है जिसके अंदर इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज एंड लास्ट में दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ये प्लांट सेल में दिखा रखी है। इसके अलावा ये मियोसिस के सेल डिवीजन्स हैं जिसके अंदर प्रोलैप्टोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये सारी पांचों स्टेज किसकी हैं, प्रोफेज फर्स्ट की, इसके बाद प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। तो ये कंप्लीट क्या है, मियोसिस फर्स्ट है ये। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज, जिसके अंदर अर्ली एंड लेट फेज दिखा रखे और एंड में यहाँ पे चार डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप सबको जितने अच्छे मैंने डायग्राम्स बनाने दिखाए हैं बिल्कुल एज इट इज डायग्राम्स बनाने अपने प्रैक्टिकल फाइल में, तो जितने अच्छे आप डायग्राम्स बनाओगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।